पानीपत औद्योगिक नगरी में लगातार बढ़ रहे जाम की समस्या से निजात पाने के लिए पानीपत पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते आज चेकिंग के दौरान किला एरिया में ई रिक्शा का चालान किया गया। ई रिक्शा का चालान 20,000 होने की बदौलत ई रिक्शा चालकों ने नाराजगी जताते हुए किला क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज के खिलाफ रोष प्रकट किया। मजदूर आदमी है बाबू जी, छोटे छोटे बच्चों को अपना सहारा लगा रहे हैं जी, बताओ कहाँ पे जाएंगे जी। अभी मैंने रिक्शा ली थी बाबू जी 40,000 रुपए की, कि मैंने 10 दिन भी नहीं चलाया इसको, मेरा चलान कट गया जी 20,000 का जी। कि मैंने उधार सुधार करके रिक्शा ली थी जी, बच्चे पालने वास्ते। गाड़ी है जी ये 1.5-2 लाख रुपए की, इस गाड़ी का सब कुछ ओके है, लेकिन पुलिस एक इंडिकेटर को लेके भी 20,000 का चलान कर देती है। अभी हमारी गाड़ी का एक चलान हुआ है जिसके अंदर 28,000 रुपए के बैटरी रखवाए हैं, चेक और डाटा डॉक्यूमेंट देके। अब हमारे 100 रुपए रोज का फाइनेंस है बैटरियों का। अब अगर हमारी बैटरी किस्त ना पहुंची तो उधर से हमारे पे बैंक की पलंटी लगेगी, इधर से कोर्ट का केस गिरेगा। और हम 10-10 रुपए पूरे दिन इकट्ठे करके 500-600 रुपए की मजदूरी करते हैं, उसमें भी हमारे साथ में छिन्ना झुट्टी हो रही है। और पूरे डिपार्टमेंट में, पूरे शहर पानीपत के अंदर कोई भी चलान नहीं करता, सिर्फ एक महेंद्र पुलिस से अलावा और कोई चलान नहीं कर रहेगा। हमारी सिर्फ उनसे ये कहना है कि या तो आप हमारे को प्रूफ बताएं कि भाई क्या क्या चाहिए। कभी तो अगर हम लाइसेंस भी और इंश्योरेंस भी RCB अगर रखने के बावजूद भी फिर वो ना इंडिकेटर चेक करता है, वो बोलता है जैसे ये रस्सी से गद्दियाँ बांध रखी है, लाइटें टूटी है, इसको चिपका रखी है, आप इस सब चीज़ों को नवी बनाओ। हमारी चीज़ एक नाजुक है, खड्डे के अंदर गिरते कुछ ना कुछ टूट फूट होती है। और हमारा कहना ये है कि हमारे को अपनी 2 रोटी सिद्धि कर रहे हैं तो हमें करना, तो हम किसी साथ में कोई नुकसान कोई भेदभाव नहीं करना चाह रहे। प्रशासन ये मांग करती है कि बस सिर्फ RC हमारी जो 90,000 रुपए की बन रही है ना कंपनी से, आप उनसे जाके बात करो 90,000 की कौन सी गाड़ी की RC बनती है। हमारों को फिर भी पागल बनाया जा रहा है। हम अपनी मजदूरी के लिए कर रहे हैं, 80,000 और 70,000 के बीच में गाड़ी नवी बन के तैयार हो जाती है, और 90,000-1 लाख के बीच में जाके इसके कागज सिर्फ कोर्ट पासिंग और RC बनती है, जिसके अंदर ना प्रदूषण इंश्योरेंस और ना इसके अंदर लाइसेंस, सिर्फ ये बन के तैयार हो रहा है। अब उस बात को लेके ये महेंद्र पुलिस वाला हमारों को डिस्टर्ब करता है, घड़ी घड़ी रोड पे कहीं भी पकड़ लेता है, भागते हुए को पकड़ लेता है रोड के बीच में। अगर हम चला रहे हो, अगर रोड पे हम चला रहे हो तो माँ पकड़ लेता है, शहर के बीच में आके खड़ा हो जाता है, जबकि शहर के बीच में तो आने का कोई अधिकार नहीं है पुलिस कर्मचारी का। शहर के बीच में तो रोजी रोटी मजदूर आदमी सिद्धि कर रहा है, करना तो उसको। रोड के ऊपर कोई परेशानी हो रही है, 4 लाइन पे चलाते हैं, टेम्पो वाली लाइन पे चलाते हैं, फिर भी डिस्टर्ब करता है, कागज दिखाओ, ये करो, वो करो, जरा सी भी मतलब का कोई रिक्वेस्ट नहीं कामयाब हो रही। चाहे हमारी गाड़ी में पेशेंट जा रहा हो, चाहे हमारी गाड़ी में मरीज जा रहा हो, हमारी गाड़ी में कोई भी जा रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ चलान करने से। क्या नाम है आपका? अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।